बसी साहब नमस्कार, स्वागत है सर आपका। पहले तो एक बार बाजार की वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव पर ही एक आपसे राय लेना चाहता हूँ, साथ ही अपडेट्स भी। अरे सर, आपने बहुत बढ़िया से समराइज किया, यू हैव नॉट हाईलाइटेड दिस एज अ पेन पॉइंट। और यह जो 3 दिन की पुरानी खबर है, इसके ऊपर इफ यू हैड टू सी द वॉलेटिलिटी, वो सुबह दिख गई थी। आई थिंक यू हैव एक्टेड मोस्ट जुडिशियसली एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स बाय नॉट स्प्रेडिंग पैनिक, एंड दैट इज द की। इफ यू हैड पैनिक देन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, बिकॉज दीज आर स्मॉल थिंग्स विच आर गोइंग टू बी, यू नो, ये तो रोज का दारोमदार होता है, घरवाली और वाइफ में और हस्बैंड में भी झगड़े होते हैं। तो I think these are part and parcel of the thing. There is no such escalation of anything. Absolutely. So again, जैसे आपको कहा, you have to take the view of buying the fear and buying, getting into stocks. And I am very, very bullish with a slightly longer term view. I think this budget can be, you know, the real change of events. यहाँ कुछ भी ना होए, but still they will be buying because global cues are very, very strong and the wall of liquidity is waiting to buy stocks. तो जैसे आपको सुबह कहा था, आप कहे तो मैं अपडेट दूँ अनिल जी। अपडेट बताएं, काफी स्टॉक्स भरपूर एक्शन में भी आए हैं सुबह से, बताएं सर। सर आप ये देखिए कि फार्मा पे मैं बहुत बुलिश था और हफ्ते 10 दिन से कुछ नहीं कर रहा था, आज के सारे लीडर फार्मा है। अरविंदो सर्किट लग गया, सिप्ला इज अ टॉप गेनर, डीवीज लैब, सन फार्मा, आप कोई भी चीज पकड़िए, कैडिला, और आपके यहाँ डॉक्टर रेड्डी टॉप रिकमेंडेशन था, 5150 हो गया। आप देखिए ट्रेडर को वहां प्रॉफिट हो रहा है, साथ में आपको एक्सिस बैंक दिया था वहां प्रॉफिट हो रहा है, आपको जिंदल स्टील दिया था, अभी भी रिएट्रेट कर रहा हूँ, 315 का भाव 290 रुपए मार के आ गया जब आपको सुबह की वॉलिटिलिटी। LIC हाउसिंग आपको अभी भी कहा है लेके रखिए, दिस विल बी अ वेरी गुड आउट परफॉर्मर, और HCL टेक इज माय टॉप पिक इन द टेक्नोलॉजी प्लेस। अब आप कहें तो 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं सर। बाइज सर बताएं सर प्लीज। तो देखिए सर, मैं आपको फिर दोहराता हूँ, ये साल बिलोंग करता है 2 फार्मा कंपनी, डीवीज लैब एंड सन फार्मा। सन फार्मा के नंबर विल बी द बेस्ट। 3 साल पहले सन का भाव, सन का मार्केट कैप वॉज इक्वल टू ऑल दी एफ एम, ऑल द फार्मा कंपनीज पुट टुगेदर, और नाउ इट इज बैक, इट इज गेटिंग बैक इट्स मोजो, और ये रिजल्ट विल प्रूव इट दैट सन इज गोइंग टू बी प्लस। पार के आप नंबर देखिए, आप अभी टेवा के नंबर देखना ऑन वेडनेसडे, सन इज गोइंग टू गो टू 750 रुपीज इन दिस ईयर इटसेल्फ। सो बी प्रिपेयर्ड टू बाय दिस स्टॉक, लॉक स्टॉक एंड बैरल, एंड पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। 588-590 के भाव में लीजिए, 580 का स्टॉप लॉस रखिए, 620 से 622 का टारगेट होना चाहिए। दूसरा बाय होएगा जो मेरा फेवरेट है, ICICI प्रू। आई थिंक इसके नंबर और इसकी जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है, इट विल बी द हाईएस्ट इन द इंश्योरेंस कंपनीज। 502-3 में लीजिए, 493 का स्टॉप लॉस, 540 का टारगेट। ओके, तो 2 बाय करने की राय है इस कमजोर बाजार में। सन फार्मा जहां पर बेहद बुलिश है, हमारे बसिन साहब कह रहे हैं 588-590 की रेंज अच्छी है जहां पर आप खरीदारी करें, 580 का स्टॉप लॉस लगाकर 620-622 के टारगेट रखें आप ट्रेडिंग के लिए। आते साल भर का व्यू है तो 750 के टारगेट के लिए भी सन फार्मा को आप होल्ड कर सकते हैं। वहीं ICICI प्रोडेंशियल में खरीदारी करने की राय, 493-493 का स्टॉप लॉस है, 540 तक के टारगेट यहां पर आते हुए दिखेंगे। थैंक यू सो मच सर।